अब यहां मेरी सलाह आपको एक और है कि जैसे ही आप यहां आए थे इस जगह या इस जगह भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास, तो आपको यहां पर ऑप्शंस रख के चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से फिर आप बच जाएंगे। जब हमें 30 सेकंड में 40 क्वेश्चन करने हैं तो छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो मैं यहां से कर देता हूं। सो इट इज 13 और मैंने ए की जगह 7 रखा, सी की जगह 7 रखा, तो 7 10 - 7 3, सो 13 3 39, और 39 में 7 का फैक्टर नहीं जाता तो 7 कैन नॉट बी एन आंसर। 4 की बात करते हैं, 10 में से 4 गया 6, 13 6 78, 78 में 7 का फैक्टर नहीं है तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए कितना क्विकली हो रहा है। 3 रखता हूं मैं तो 10 में से 3 गया 7, तो 13 7 91, और यहां पर 3 रखा, यहां 10 और 3 13, 13 7 91, सो ऑब्वियसली 3 इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से भी आपको बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट होके अपनी ओर से इनिशिएटिव लेके इस तरह के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्यूशन से, जो आपको 4 सॉल्यूशन दिए हैं, इनसे भी हल करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज की इस क्लास के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स। और ये क्लास डेफिनेटली यूजफुल है बहुत तरह तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट इंक्लूडिंग सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो इस सीरीज में जो सबसे पहली क्लास है वो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर नदी और धारा, और इसमें हम क्वेश्चंस को सेकंड्स में करेंगे। हर क्वेश्चन पर मैं टारगेट दे रहा हूँ कि हम 15 सेकंड से लेके अधिकतम 50 सेकंड्स तक हम क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चन है इस क्लास में, और ये जो सीरीज है हमारी, इसमें पहला बोट्स एंड स्ट्रीम इसलिए लिया गया है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ माना जाता है। ये निश्चित है बात कि ये जो मेरी शॉर्टकट्स की सीरीज रहेगी मैथमेटिक्स में, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल लगभग नहीं या बहुत कम से कम होगा। उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि फॉर्मूले आपको कमज़ोर बनाते हैं। कमज़ोर इसलिए बनाते हैं कि वो आपको कई बार रटने पड़ जाते हैं, और यदि आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली न सिर्फ आपका एक क्वेश्चन का नुकसान होता है बल्कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, क्योंकि फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में कोशिश ये रहती है मेरी कि जब मैं आपको मैथमेटिक्स कराऊं तो लॉजिक बेस्ड ज़्यादा हो, फॉर्मूला बेस्ड कम से कम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आपके कमेंट्स में ज़रूर चाहूँगा कि ये जो शॉर्टकट सीरीज में शुरू कर रहा हूँ ये आपके लिए किस कदर कितना कितना उपयोगी रहेगी इस तरह की क्लासेस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन करने से पहले कुछ फंडामेंटल समझते हैं, और मैं जो मैंने शुरुआत में कहा था मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम कोई भी फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कहीं पर इस्तेमाल होगा यदा कदा तो वो होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अदरवाइज वेरी सिंपल एंड इन सेकेंड्स। अब एक नदी बह रही है और हमने ये माना है कि फ्लो ऑफ करंट जो है इस डायरेक्शन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस डायरेक्शन में माने या इस डायरेक्शन में माने। ओके, तो एक नदी बह रही है और उसकी जो धारा है, उसके बहने का जो दर है, वो सी किलोमीटर पर आवर है। सी इसलिए रखा है कि सी स्टैंड्स फॉर करंट, धारा, तो सी आपको ध्यान रहेगा। तो सी किलोमीटर पर आवर की दर से एक नदी बह रही है, और जो बोट की जो गति है स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में, शांत जल में जो नाव की गति है वो बी किलोमीटर पर आवर है। बी स्टैंड्स फॉर बोट, तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रहेगा। और हम सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में और आने वाली क्लास में भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली अगर नदी की धारा के विपरीत नाव चलेगी तो उसकी गति बी माइनस सी होगी, और नदी की धारा के साथ यदि नाव चलेगी तो उसकी गति बी प्लस सी होगी। सिंपल। और अब हम देखेंगे कि सिर्फ इतने छोटे से कंसेप्ट से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बोट्स एवं स्ट्रीम से संबंधित, वो बहुत जल्दी, बहुत सेकंड्स में, मैं आपके सामने क्वेश्चन सेकंड्स में करूंगा, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। ओके, अभी ये बहुत सिंपल सी एक बात है, मतलब मैथमेटिकल फैक्ट है कि अगर मैं दोनों गतियों को जोड़कर 2 से डिवाइड करूं, या ये कहें कि हम दोनों गतियों का औसत निकालें, तो नदी की धारा के अनुकूल गति नाव की और नदी की धारा के विपरीत नाव की गति, दोनों गतियों का औसत सी से सी कटा, इट इज 2b/2 अर्थात बी। तो ये भी ध्यान रखिए कि शांत जल में नाव की गति, ये जो है ये शांत जल में नाव की गति है, धारा के विरुद्ध नाव की गति और धारा के साथ नाव की गति का औसत होता है। सिंपल। ओके, अब इसमें जो अगला जो शॉर्टकट में इस्तेमाल करूंगा वो ये है कि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से मैं ये कह सकता हूं कि बी प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी प्लस 2c, अर्थात नदी की धारा के साथ नाव की गति बराबर
नदी की धारा के विपरीत नाव की गति प्लस 2 गुना धारा की गति, इस सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से। इसी तरह से हम बना सकते हैं बी माइनस सी इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2c। तो बहुत सिंपल हो गया, धारा के विरुद्ध नाव की गति बराबर धारा के साथ नाव की गति माइनस 2 गुना धारा की गति। सिंपल। दो चीजें इसमें और बनाएंगे कि ऑब्वियसली अगर आपको नाव की गति दी गई है और धारा के विपरीत गति दी गई है तो धारा के साथ नाव की गति इक्वल टू 2b माइनस में b माइनस c, यानी कि धारा के विपरीत नाव की गति या विरुद्ध नाव की गति। सिंपल। और इसी तरह से b माइनस c ये ट्रांसपोज हो गया इधर और ये ट्रांसपोज हो गया इधर, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो धारा के विरुद्ध नाव की गति इक्वल टू 2 गुना नाव की गति माइनस धारा के साथ नाव की गति। सिंपल, बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम इससे आज इस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर सेकेंड्स डाले हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा ज्यादा समय लगे, अदरवाइज जो सेकेंड जो समय मैंने डाला है इस समय में ये क्वेश्चन आराम से हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, अगर मैं IBPS की बात करूं तो आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं। इसलिए न सिर्फ टाइम, ऑब्वियसली टाइम इज एसेंस, टाइम सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा करेक्टनेस भी, यानी आप सही करें क्वेश्चन को, ये भी उतना ही जरूरी है। करेक्ट, अन्यथा जहां पर नेगेटिव मार्किंग है उस नेगेटिव मार्किंग का आपको असर पड़ जाएगा आपके टोटल मार्क्स में। अब धारा के साथ नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात b प्लस c इज इक्वल टू 15, धारा की गति हाफ 1.5, तो धारा के विपरीत क्या होगी, तो b माइनस c निकालना है। सो b माइनस c इज इक्वल टू b प्लस c माइनस 2c, दैट्स ऑल। सो इट इज ऑब्वियसली 15 माइनस 2 गुना 1.5, 3, 12 किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल। 15 सेकेंड लगेंगे इस सारे काम में, सो दिस इज 12, ओके। अदरवाइज एक और सिंपल तरीका देख लेते हैं, इन दोनों से ऑब्वियसली b बराबर 15 माइनस 1.5 अर्थात 13/1/2, सो b माइनस c आपको निकालना है, 13/1/2 माइनस 1/1/2, सो ऑब्वियसली दिस इज 12, करेक्ट। ये भी 15 सेकेंड मैंने दिया है। यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात b बराबर 5, धारा के विपरीत b माइनस सी 3, धारा के साथ चाहिए b प्लस सी चाहिए, ऑब्वियसली यहां से इन दोनों इक्वेशन से b बराबर 5 रखते c बराबर 2, सो b प्लस सी बराबर 5 + 2 = 7, करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं, सो दिस इज 7, सॉल्व किया हुआ मैंने, 15 सेकंड दिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए। शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और अनुकूल बहते हुए अर्थात b प्लस सी इज इक्वल टू 45/3, चूंकि 3 घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, सो इट इज 45/3 इक्वल टू 15 kmph किलोमीटर पर आवर, समान दूरी वे कितने घंटों में तय करेगी, सो हमें b माइनस सी निकालना है, करेक्ट। सो b माइनस सी, ऑब्वियसली इन दो इक्वेशन से c इज इक्वल टू 3 इमीडिएटली, क्योंकि b 12 है और b प्लस सी 15 है, सो b माइनस सी इज इक्वल टू 12 - 3 = 9, 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन चलना कितना है 45 किलोमीटर, तो 5 घंटा लगेगा, करेक्ट, 9×5=45, सिंपल। तो ये सॉल्व है आपके सामने, इसमें मैंने 35 सेकंड लगाए हैं, लेकिन ये 35 लगेंगे नहीं। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है अर्थात b इज इक्वल टू 8, यदि वे धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 1 किलोमीटर की यात्रा करती है, इसका मतलब b माइनस सी इक्वल टू 1, करेक्ट, तो c इज इमीडिएटली 7, सिंपल, ये हो गया। तो धारा के अनुकूल b प्लस सी निकालना है मेरे को, सो 8 और 7 = 15, सो इट इज 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसने कहा है कितने मिनट लगेंगे, तो 15 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 4 मिनट लगेंगे, करेक्ट। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, आपको एक लाइन, ये 15 किलोमीटर पर 60 मिनट ऐसे कर सकते हैं, सो इट इज 1/4 per minute अर्थात 1 किलोमीटर चलने में उसको 4 मिनट लगेंगे, ओके, सिंपल। नेक्स्ट, तो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है,
ये क्वेश्चन लगभग पहले जैसा ही है, इसको पे में 35 35 सेकंड्स दिए हुए हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 25 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात बी इक्वल टू 25, धारा के प्रतिकूल बी माइनस सी इक्वल टू 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सो ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू 15, करेक्ट। सो बी प्लस सी निकालना है आपको, सो इट इज 40। 40 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर एक घंटे में, 40 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर 1/4 घंटे में, अर्थात 15 मिनट में। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, 35 सेकंड दिए हैं मैंने इस क्वेश्चन के लिए। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब बी बराबर 15, धारा की गति 3, धारा के अनुकूल बी प्लस सी बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, 12 मिनट में निकलवाया है। 12 मिनट एक घंटे का 1/5वां भाग होता है, 12 5 60 होते हैं ना, तो 18/5 किलोमीटर हुआ, अर्थात 36/10 किलोमीटर हुआ, अर्थात 3.6 किलोमीटर हुआ। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ओके, इसमें मैंने 50 सेकंड लगाए हैं। शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान समय में धारा के अनुकूल 78 किलोमीटर। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि समय बराबर, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल रहा हूं, दूरी बटे गति, गति बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय और गति को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो समान समय में धारा के अनुकूल 78 किलोमीटर, सो 78 अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि समय के, और समान समय में, और इट इज इक्वल टू 42/b माइनस सी। सिंपल, समान समय के कारण, करेक्ट। नाउ बी इज इक्वल टू 10, और दूसरी चीज ये है कि 13 6 78 और 6 7 42, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसीलिए समय इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया है। सो इट इज 10 माइनस सी, सो इट इज 7 × 10 + c। सो 130 - 13 c इक्वल टू 70 = 7 c। सो दिस इज 20 c इक्वल टू 60 c = 3। सिंपल। अब यहां मेरी सलाह आपको एक और है कि जैसे ही आप यहां आए थे इस जगह या इस जगह भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास, तो आपको यहां पर ऑप्शंस रख के चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से फिर आप बच जाएंगे। जब हमें 30 सेकंड में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो मैं यहां से कर देता हूं, सो इट इज 13, और मैंने ए की जगह 7 रखा, सी की जगह 7 रखा, तो 7 10 - 7 3, सो 13 * 3 = 39, और 39 में 7 का फैक्टर नहीं जाता, तो 7 cannot be an answer। 4 की बात करते हैं, 10 में से 4 गया 6, 13 6 78, 78 में 7 का फैक्टर नहीं है, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए कितना क्विकली हो रहा है, 3 रखता हूं मैं, तो 10 में से 3 गया 7, तो 13 7 91, और यहां पर 3 रखा, यहां 10 और 3 13, 13 7 91, जो ऑब्वियसली 3 इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से भी आपको बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट होके अपनी ओर से इनिशिएटिव लेके इस तरह के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्यूशन से, जो आपको 4 सॉल्यूशन दिए हैं, इनसे भी हल करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, 35 सेकंड, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर, सो बी इक्वल टू 22, करंट सी इक्वल टू 4, स्टिल ड्रिवन डाउन स्ट्रीम, अर्थात बी प्लस सी, हमको बी प्लस सी, ये हमको स्पीड दी गई है। फिर से ध्यान रखिए कि यहां निकलवाया है उसने दूरी, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो दूरी बराबर स्पीड कितनी है, बी प्लस सी, अर्थात 26। 24 मिनट में निकालना है, तो टाइम इज 24 मिनट, तो इसको आप घंटे में चेंज कीजिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। सो 12 2 24, 12 5 60, सो इट इज 26 × 4/10, सो इट इज 4 6 24, 4 2 8 और 2 10, 10/10, और 10.4 सी इज द आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैंने 50 सेकंड लिखा हुआ है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है, तो सी बराबर 2। एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है, 55 मिनट में फिर से वापस आती है, यानी कि यहां गई और यहां वापस आई, ठीक है ना, अर्थात टाइम टेकिन
इन कवरिंग दिस डिस्टेंस प्लस टाइम टेक इन कवरिंग दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 55 मिनट। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रतिकूल की बात करें सो इट इज 10 किलोमीटर बटे बी माइनस सी, क्योंकि प्रतिकूल प्लस 10 किलोमीटर चूंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 55 मिनट, और 60 से डिवाइड कर दीजिए घंटा में बनाने के लिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो 10 अपॉन बी की सी की वैल्यू 2, सो इट इज बी माइनस 2 प्लस 10 बटे बी प्लस 2 बराबर 55 बटे 60, अर्थात 11 बटे 12, दैट इज 120। बी प्लस 2 प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 11 इंटू बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2। ओके, सो इट इज 240 बी माइनस बराबर 11 बी स्क्वायर माइनस 44, करेक्ट। सो फाइनली दिस इज 11 बी स्क्वायर माइनस 240 बी माइनस 44 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है, और समय है 50 सेकेंड्स, अधिकतम 1 मिनट। ओके, तो अब इसका शॉर्टकट क्या है? सिंपल तरीका यह है जो मैं भी आपको इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था, कि आप जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी वैल्यू प्लेस कीजिए। तो आप वैल्यू प्लेस कहाँ करेंगे? आप वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ। ओके, तो मैं सबसे पहले 17 रखता हूँ, सो 10 अपॉन 17 माइनस 2 15 प्लस 10 बटे 19, तो इससे 12 तो एलसीएम नहीं आ सकता, तो यानी कि दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 22 रखते हैं, 10 और 22 में से 2 गया 20, और 10 और ये बिल्कुल बनेगा क्योंकि ये 5 बटे 12 दे देगा, 10 बटे 24, तो इट इज हाफ प्लस 5 बटे 12, सो 12 एलसीएम, तो 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 बटे 12, तो करेक्ट 11 बटे 12 आ रहा है आपके, है ना। सो हमारा जो आंसर आया वो आया 22, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सिंपल। अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। एक नदी के शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, मींस बी इज इक्वल टू 9, और नदी की धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है, सो सी इज 1.5। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय, इस बहुत सरल सवाल है, ऑब्वियसली समय इक्वल टू दूरी बटे गति। तो डिस्टेंस कितनी है? 105, सो 105 बटे बी प्लस सी प्लस 105 बटे बी माइनस सी, ये निकालना है हमको, तो बहुत सरल सवाल है। 105 बटे 9 10.5 प्लस 105 बटे 7.5, सो दिस इज ऑब्वियसली 10, एंड ये जीरो यहाँ प्लेस हुआ, पॉइंट यहाँ प्लेस हुआ, पॉइंट के अगेंस्ट ये जीरो यहाँ प्लेस हुआ। 25 3 75, 25 4 100 और 25 2 50, और 3 6 14 बार कटा 24। तो 35 सेकेंड बहुत तेज क्वेश्चन के लिए। ओके, तो सॉल्व कर रखा है मैंने। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस क्लास। अब आपने इस क्लास में देखा जो ये जो बोट्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन पर ये क्लास थी पहली शॉर्टकट वाली, कि मैंने इसमें कोई फॉर्मूला एज सच इस्तेमाल नहीं किया है, और बहुत ही सिंपल टेक्निक से और बहुत ही साधारण अवधारणा थी इसमें गणित की, जो आपने बहुत ही बेसिक्स में पढ़ी है, उन अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए मैंने ये 10 क्वेश्चंस किए हैं। और मैंने इसमें आपको ये भी दिखाया कि क्वेश्चंस 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड 30 सेकेंड में हो सकते हैं। तो जो आपके सामने टारगेट रहता है 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने का, कोशिश ये है कि आपको अधिक से अधिक टॉपिक्स पर शॉर्टकट्स बताए जाएँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोई और विषय लूँगा जिसमें हम शॉर्टकट्स की बात करेंगे, लेकिन बोट्स और स्ट्रीम पर शॉर्टकट्स की अभी एक या दो क्लास और होंगी, लेकिन अगली क्लास बोट्स एंड स्ट्रीम की ना होकर किसी और टॉपिक पर होगी।
थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे निश्चित रूप से टेलीग्राम आईडी पर लिख सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नमस्कार।